दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। क्या पिता के हार का बदला ले पाएंगे सिद्धार्थ कुशवाहा? 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के गणेश सिंह ने बसपा के सुखलाल कुशवाहा को चुनाव हराया था। आज 2024 में 15 वर्षों बाद उन्हीं भाजपा प्रत्याशी गणेश सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू चुनाव मैदान में है। 2009 के लोकसभा चुनाव की जीत गणेश सिंह के लिए आसान नहीं थी। गणेश सिंह महज 4,418 मतों से वह चुनाव जीते थे। फिर जीत तो जीत होती है, फिर चाहे वह एक मत से ही क्यों ना हो। गणेश सिंह के लिए 2009 का चुनाव सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि बाकी चुनाव में गणेश सिंह ओबीसी एकता की बातें करके सभी को एक साथ लाकर मतों का ध्रुवीकरण कर लेते थे और चुनाव जीत जाते थे। मगर 2009 के चुनाव में ओबीसी बनाम ओबीसी चुनाव हो गया था। आज 2024 के चुनाव में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है, क्या सिद्धार्थ कुशवाहा अपने पिता सुखलाल कुशवाहा के हार का बदला ले पाएंगे? वैसे ऐसी कोई चर्चा कहीं नहीं है, यह मेरी सोच है। इस 2009 के चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, जरा इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। बीएसपी में भीतरघात नहीं था, कांग्रेस में भीतरघात ही भीतरघात है।